काफी समय से अभिनेता ऋतिक रोशन और सबा खान की डेटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। हर कोई दोनों के रिश्ते का अपडेट जानना चाहता है और अब ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान को भी एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया। दोनों को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। आपको बता दें कि इस शख्स का नाम अरसलान गोनी है। सुजैन ब्लैक कैमिसोल टॉप के ऊपर ब्लैक ब्लेजर और ब्लू डेनिम जीन्स पहने नजर आई, वहीं अरसलान को व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक जैकेट पहने देखा गया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। फैंस सुजैन और मिस्ट्री मैन के बीच के रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं। बता दें कि सुजैन और ऋतिक ने साल 2000 में शादी की थी। हालांकि साल 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों के दो बच्चे रिहान और रिदान हैं। सुजैन के साथ साथ ऋतिक भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। इस रिलीज डेट की जानकारी को अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए शेयर किया, जिसमें अभिषेक बच्चन का अतरंगी रूप दिख रहा है। 7 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस वीडियो में अभिनेता अपनी एजुकेशन राइट की बात करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में अभिनेता कहते हैं, अरे ओ अपराधियों, जरा शोर ना करियो, अब से मैं 10वीं की तैयारी कर रहा हूँ। जेल से 10वीं करना हमारा एजुकेशन राइट है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, एक विद्यार्थी द्वारा दूसरे विद्यार्थी को 10वीं की परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुषार जलोटा के निर्देशन में बन रही फिल्म 10वीं में अभिषेक बच्चन एक प्रतिभाशाली नेता गंगाराम चौधरी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके अलावा एक्ट्रेस यामी गौतम एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली हैं और एक्ट्रेस निमृत कौर महिला नेता बिमला देवी का किरदार निभा रही हैं। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। शनिवार को मुंबई में आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के सेलेब्स ने इस अवार्ड शो में शिरकत की। अवार्ड शो में पहुंची हसीनाओं ने रेड कारपेट पर अपने बोल्ड और गॉर्जियस लुक से चार चांद लगाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोकप्रिय एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस वाणी कपूर भी इस आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2022 में शामिल हुई। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और ये शाम मेरी भी आइकॉनिक हो गई है बहुत, एंड ये पूरा साल आइकॉनिक बनाने के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा आइकॉनिक अवार्ड्स को। प्लस ये एक साल पहले जब ये प्लान की गई थी मूवी, राम सर ने, उनकी टीम ने, अमिता जी प्लस रॉनी सर एंड पूरी RSVP की टीम, बहुत ही मुश्किल वक्त पे सब जा रहे थे और पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम ये प्लानिंग की गई थी फिल्म। ये वन ऑफ द एक ट्रिविया अगर आपको दूँ तो ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स है जो पैंडेमिक में बनी थी और उसी टाइम शूट करके और तुरंत अभी रिलीज भी हुई थी। सो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम आइसोलेशन में, बबल में काम करना। पहली बार हम एज एक्टर्स ऐसे काम कर रहे थे कि लोगों से मिले नहीं और बिना उनसे प्रेप किए, साथ में वर्कशॉप्स किए, बिना जूम कॉल्स में सारी प्रेप के साथ फिर बाद में सीधा सेट पर मिलना, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट आई थिंक द होल टीम, उसके लिए मैं मतलब उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्लानिंग की गई, एंड या आई एम ग्लैड कि वी आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द फिल्म, एंड होपफुली और भी ज़्यादा ऐसे अवार्ड्स मिलते रहे। तो हम ऐसा माने कि ज़्यादा बनकर आए हैं आज की शाम आप? हाँ, पूरी तरह से। क्या लग नहीं रहा हूँ क्या? बिल्कुल, थैंक यू। नहीं, पूरी तरह से। काफ़ी टाइम बाद भी मैं एक रेड कार्पेट इवेंट में भी आया हूँ, तो पूरी तैयारी से ही आए हम सब लोग, पूरी टीम ने बड़े खुश थे कि आज इतने टाइम बाद ऐसा एक इवेंट भी हो रहा था। सो या, तो आई एम रियली ग्लैड दैट वी कुड मेक इट। सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी यहाँ पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा सेकंड अवार्ड है, बेस्ट डेब्यू अवार्ड, तो डेफिनेटली बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ सब लोग को सबसे मिलने।
शमिता शेट्टी ने ब्लैक ट्रिमिंग वाला इलेक्ट्रिक ब्लू फिशटेल गाउन पहना था। इस गाउन में उनका लुक देखने लायक था। बिग बॉस फेम नेहा भसीन का भी हर बार की तरह ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। मेहंदी है रचने वाली फेम शिवांगी खेड़कर का तो एकदम बोल्ड अंदाज देखने को मिला। ऑरेंज कलर की शॉर्ट ड्रेस में बिग बॉस फेम जैस्मीन भसीन स्टनिंग लग रही थी। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने पति विवेक दहिया संग स्टाइलिश अंदाज में एंट्री की। इनके अलावा उर्वशी ढोलकिया, हैली शाह, शरद मनहोत्रा, कीको शारदा, विशाल कोटियान, विजय वर्मा, धीरज धूपर, शिवांगी जोशी, आकांक्षा पुरी सहित कई अन्य सितारे यहां पहुंचे। बीती रात मुंबई में बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को एक ही छत के नीचे स्पॉट किया गया। मौका था हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 का। इस दौरान अक्षय कुमार, कृति सेनन, तापसी पन्नू, अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेत्री रेखा समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स रेड कार्पेट पर जमकर पोज देते दिखे। पर सबकी निगाहें टिकी रही कृति सेनन पर, जो ऑफ शोल्डर पिकॉक वाली ड्रेस पहने अवार्ड फंक्शन में पहुंची। इतना ही नहीं, फंक्शन के दौरान कृति के इस हैवी ड्रेस को रेड कार्पेट पर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी संभालते दिखे। यही चलेगा। सर एक मिनट रुको, सर सर पकड़ के रखिए। पर्पल कार्पेट चलो भाई ड्रेस पकड़ो। दोनों का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। येलो कलर की थाई हाई स्लीट गाउन पहने कियारा आडवाणी के ग्लैमरस लुक ने भी उनके फैंस का दिल जीत लिया। अवार्ड फंक्शन में रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहने एक्ट्रेस तापसी पन्नू रेड कार्पेट पर ग्लैमरस अंदाज में पोज देती दिखी। वहीं बालों में गजरा लगाए और गोल्डन साड़ी पहने अभिनेत्री रेखा ने हर किसी का दिल जीत लिया। ब्लैक ड्रेस पहने एक्ट्रेस अनन्या पांडे रेड कार्पेट पर गजब का पोज देती दिखी। अक्षय कुमार भी काफी लंबे समय बाद किसी अवार्ड फंक्शन में नजर आए। इनके अलावा करण जौहर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कार्तिक आर्यन भी यहां नजर आए। From any part of the country to everybody else everywhere. Yeah. So you're no longer imprisoned in that little island of yours. Right. And there are so many good translators who are emerging. Right. And you realize that Indians are natural translators. We live in at least two languages, all of us, in any case. Yes. And those of us, I believe everyone in India is a translator. Okay. We're naturally a biliterate life. Okay. At least a biliterate language. Right. So I think it's brilliant, and look at what we are reading. So I think two things have happened. One, of course, we are reading now literature that we would normally not have read. Yeah. So you're reading Malayalam literature and Tamil literature at the same time as Kashmiri and Assamese. And the other thing is that it has also expanded the idea of
literature in English in India. Right. By bringing all these books into the English language, you suddenly have a situation where all these things that were once on the edges, and now they're going closer and closer to the center. Right. And Indian writing in English is now one of the many forces that occupy that space. Earlier it was the only one, right? Right. But now you have all these other things, and necessarily they're very different kinds of literature and different kinds of books and different kinds of writing. Right. So we are truly now seeing the diversity of the cultural diversity of the country in linguistic expressions. You are teaching at Ashoka. You know, now several private universities have started a writing program. So what do you feel about that? All universities that follow the European pedagogic model have a writing program which is actually nothing to do with creative writing. Right. The writing program is to inculcate the skills of academic writing in students. And very often these cannot come only out of the classroom. So you have a separate center and a separate bunch of tutors doing this. Right. But creative writing as a discipline, not too many universities have started. A few have, including Ashoka, where it is a minor. It is a great thing because of many reasons. One, of course, it allows students to find out if they are writers or not. Right. I think many people think they are writers. Yes. But here's a chance to find out if they are writers. Two, it gets them back into reading. Right. Which is fantastic. Three, it creates a community of writers. Mm-hmm. So, you know, there's greater strength. You're no longer working in isolation. And four, even if you don't want to be a writer, the fact that you are expressing yourself in a different way actually improves your writing no matter what you're using it for. Even as academics, you're better writers. Right. Because you're writing stories and poems and novel art and narrative, non-fiction and so on. Right. Right. So, you know, as a translator, is it tough not to leave your signature in a book? So, okay. Maybe people who also consider themselves writers in their own right might be sort of, you know, they might be wondering how do I step back, can I step back? And there's conscious stepping back and then there's unconscious stepping back. Okay. For people like me who have neither the talent nor the ambition to make it as writers of our own works, we are very happy translating and we have no style. We take up the style of them and the thinking of the writer. Right. So I imagine for Jerry, I admire him so much because he is both such a fantastic writer in his own right and a brilliant translator. Right. So he really has a much tougher balancing act. Yeah. True. And what are you doing right now? What are you working on? I'm working on a book of autobiographical essays by Shankar, whose Chorangi was the first novel that translated. Yes. So he won the Sahitya Academy Award for this book. He wrote these essays between the ages of about 70 and 80, roughly over a 10-year period. And they cover his life, looking backwards at his life from the age of 70. He didn't write a book, it's not a single narrative arc, I was born and this is where I am. But it's vignettes from different parts of his life. Right. And it adds up to a beautiful memoir kind of offering. Right. I like it. Never miss an update.